गाइस कैसे आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है आज की खतरनाक सी वीडियो में। और गाइस सर, आज हमारे ट्यूशन क्लासेस की छुट्टी है, इसलिए मैं सुबह सुबह निकल चुका था वर्कआउट करने के लिए। आज का दिन हमारा पूरा का पूरा फ्री है, आज हम सोएंगे, खाएंगे और पिएंगे और कुछ नहीं करेंगे। पहले छुट्टी हो या फिर ना हो, वर्कआउट हमें रोज करना चाहिए। तो गाइस अभी हम अपने घर पे पहुंचने वाले। रोज यार मैं बच्चों को पढ़ा पढ़ा के बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, पर आज छुट्टी है इसलिए आज हम मजे करेंगे। तो गाइस फटाफट से अभी हम घर पे पहुंच गए। मैंने सोचा है आज मैं बहुत सारे बर्गर खाऊंगा, क्योंकि यार बहुत टाइम बाद है, मुझे छुट्टी मिली है, तो मैं फुल मजे करूंगा, स्विमिंग करूंगा और बहुत ही ज्यादा मजे आएंगे। तो एक सेकेंड, ये सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज तो छुट्टी है ना। अरे सर, हम तो आपसे ट्यूशन पढ़ने आए। अरे पर ट्यूशन क्यों पढ़ना है, आज तो छुट्टी है। अरे सर, आपने तो बोला था हमें पढ़ाई में और ढंग से ध्यान देना चाहिए, हम ढंग से पढ़ाई नहीं करते, इसलिए हम छुट्टी के दिन भी पढ़ने आ चुके हैं। सर मेरी माँ ने मुझे यहाँ पे भेजा है और आज मैं बहुत सारी पढ़ाई करूंगा। अरे काइजर ये क्या, ये सारे के सारे बच्चे आज छुट्टी के दिन आ चुके हैं, तो लगता है आज मेरी छुट्टी कैंसिल होने वाली है और आज भी मुझे इनको ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। सर जल्दी से ट्यूशन क्लासेस शुरू करो, आज हम बहुत सारी पढ़ाई करेंगे। तो काइजर लगता है मेरी छुट्टी सही में कैंसिल हो चुकी है और मुझे इन सबको पढ़ाना पड़ेगा। उससे पहले मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तुम सब दो मिनट रुको, मैं एक घंटे में कपड़े चेंज करके आता हूँ। चलो काइजर फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं। तो काइजर अभी हमने कपड़े चेंज कर लिए और मैंने मस्सा सूट भी पहन लिया। चलो फटाफट से अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों क्लास को शुरू करने से पहले हम लेने वाले हैं अटेंडेंस। इंस्पेक्टर चिंगम। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। प्रेजेंट सर। वोंडा। मेरा नाम है वोंडा और विजन मेरे से शादी करने वाला है। प्रेजेंट सर। क्रिश। हैला मुझे सब दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट। फ्लैश। प्रेजेंट सर। स्पाइडरमैन। प्रेजेंट सर। रेड आई। प्रेजेंट सर। आयरन मैन। प्रेजेंट सर। शिनचैन। प्रेजेंट सर। अरे आज सूरज कहाँ से निकले? वैसे तो ये सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं होते, पर आज छुट्टी के दिन ये सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट है, एक भी जना एब्सेंट नहीं है। 50 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है, सब के सब प्रेजेंट है। तो चलो सभी बच्चे आ चुके हैं, तो जो मैंने होमवर्क दिया था फटाफट से निकालो, फटाफट से सब अपने होमवर्क निकालो, मैं सबका होमवर्क चेक करने वाला हूँ। अरे यहाँ पे फ्रैंकलिन सर के ट्यूशन कहाँ पर है? मुझे लगता है यही वाला कर है, मैं भी आ चुका हूँ ट्यूशन पढ़ने। फ्रैंकलिन सर मैं आ गया ट्यूशन पढ़ने, मुझे भी ट्यूशन पढ़ाओ। ये क्या, यहाँ पर तो ट्यूशन पहले से चालू हो चुका है। जिसने भी होमवर्क नहीं किया होगा उसको पनिशमेंट मिलने वाली है। इन सब में से फ्रैंकलिन सर कौन है जो कि मुझे पढ़ाई कराएंगे? रेड आई तुमने होमवर्क किया क्या? सर 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 थोड़ा सा करना भूल गया। क्या होमवर्क करना भूल गए? जल्दी से वहाँ पे हाथों पर खड़े हो जाओ। एक सेकेंड, तुम कौन हो? हेलो सर, मेरा नाम है हल और मैं आपसे पढ़ाई करने आया हूँ। क्या मुझसे पढ़ने आए हो तुम? सर मैं 4th क्लास में 4 बार फेल हो चुका हूँ, मुझे आप पढ़ा दो, मुझे पास होना है, मुझे 5th क्लास में जाना है वरना मेरे पापा मुझे मार देंगे। सॉरी मैं तुमको ऐसे नहीं पढ़ा सकता, ऐसे एकदम से मैं किसी बच्चे को नहीं पढ़ाता, सॉरी। सर मेरी बात सुनिए, आप मेरे पापा को जानते नहीं है, मेरे पापा बहुत ही खतरनाक है, अगर उन्हें पता चला कि आपने मुझे पढ़ाई नहीं करवाई तो आपके पूरे घर को जला देंगे, राख कर देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे। क्या मेरे घर को फोड़ देंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आ जाओ तुम हमारी क्लास में बैठ जाओ। एक काम करो तुम शिनचैन के साथ बैठ जाओ। इतने मोटे हाथी को मेरे साथ क्यों बैठा दिया? मुझे इसके साथ नहीं बैठना। शिनचैन चुपचाप बैठे रहे। तो अब सबके होमवर्क चेक करने की बारी। आयरन मैन तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सर मैंने होमवर्क किया है। हाँ तो दिखाओ। सर मैंने होमवर्क किया है पर मैं होमवर्क लाना भूल गया, वो घर पे है। अच्छा बेटा होमवर्क लाना भूल गया, तुम खाना खाना तो नहीं बोलते, तुम गेम खेलना तो नहीं बोलते, पर होमवर्क जरूर भूल जाते हो। चलो वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ। जब तक मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं बोलता तुम पुशअप्स नहीं रोकेगी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। जो भी होमवर्क नहीं करता उसको बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट मिलती है। स्पाइडरमैन तुम्हारा होमवर्क कहाँ पे है? सर मैं क्या बताऊँ, मैं होमवर्क करके आया था। सर मैं क्या बताऊँ, कल रात को बैठ के मैंने पूरा का पूरा होमवर्क किया था। होमवर्क करते करते मैं सो गया, उसके बाद नींद में मैंने सूसू कर दी और सूसू से मेरा पूरा होमवर्क गीला हो गया। क्या सूसू से
पूरा होमवर्क गीला हो गया। ये तो बहुत ही नया बहाना है, ऐसा बहाना मैंने आज तक कभी नहीं सुना था। चलो मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि तुम्हारा बहाना बहुत ही अच्छा था। अब बारी शिनचैन की। शिनचैन तुम्हारा होमवर्क कहाँ पर है? ए रिवेकी बे, मैं तो होमवर्क आपकी वजह से नहीं कर पाया। मेरी वजह से होमवर्क कैसे नहीं किया तूने? ए रिवेकी बे, जब मैं होमवर्क कर रहा था हम रात को पार्टी करके आए थे, फिर आपने मेरे होमवर्क के ऊपर उल्टी कर दी, फिर हम नंगे होकर डांस करने लग गए थे। मेरे पास आपकी वीडियो भी है नंगे होकर डांस करने वाली, बोलो तो दिखाऊं। शिनचैन चुप हो जा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तूने होमवर्क किया बहुत अच्छी बात है। हल्क तुम्हारा होमवर्क दिखाओ। अरे ये क्या होमवर्क दिखाएगा, ये तो नया बच्चा है। क्रिश तुम्हारा होमवर्क दिखाओ। हैला सर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। हैला सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कल रात को जब मैं होमवर्क करने बैठा तब मुझे दिखना बंद हो गया, मेरी आंखें खराब हो गई, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। अरे सर क्रिश झूठ बोल रहे, कल रात को हमने बहुत सारा गेम खेला था, हमने 3-3 चिकन डिनर भी किए थे। हैला स्पाइडरमैन सर को क्यों बता रहा, पागल हो गया क्या? क्रिश तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, चलो फटाफट से आ जाओ आयरन मैन को ज्वाइन करो। क्रिश तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम्हें पानी के अंदर एक ही जगह खड़े होते भागते रहना जब तक मैं रोकूं नहीं। तो गाइस हम नॉर्मली एक ही जगह खड़े होकर भागे बहुत देर तक तो बहुत ही थक जाते हैं, पर सोचो पानी के अंदर भागेंगे तो कितना ज्यादा थकेंगे। इसलिए क्रिश की पनिशमेंट है वो यहाँ पर भागता रहेगा, आयरन मैन पुशअप करता रहेगा। वांडा तुम्हारा होमवर्क कहाँ पर है? अरे सर आपको तो जैसा कि पता ही है कि मैं विजन बाबू के साथ शादी करने वाली हूँ, तो हम शादी की तैयारी कर रहे थे इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाई। बात तो सही है, वांडा और विजन की शादी होने वाली है, चलो तुम्हारी शादी होने वाली है इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। रेड हल्क तुम्हारा होमवर्क कहाँ पर है? सर अभी मैं जब आपकी ट्यूशन पर आ रहा था तो मेरा बैग एक बकरी खा गई, तो मेरे बैग में से बकरी ने होमवर्क निकाला और उसे वो खा गई। क्या एक बकरी ने तुम्हारे बैग में से होमवर्क निकाला और उसके बाद वो उसे खा गई? क्या बहाना है, बहुत बढ़िया रेड हल्क, ऐसा बहाना तो मैंने कभी नहीं सुना। हर बार सुना था कि बकरी होमवर्क खा गई, पर बकरी ने बैग में से होमवर्क निकाल के खा गई, ये बहुत ही अच्छा बहाना है। सर इसका मतलब तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी? पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी, चलो फटाफट से धूप में खड़े हो जाओ। और तुम दोनों से मैं नहीं पूछूंगा, अगर तुम दोनों ने होमवर्क नहीं किया है तो फटाफट से वहाँ पे खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया, इन दोनों ने होमवर्क नहीं किया है, तुम सब लोग समझते नहीं हो, होमवर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और तुम सब लोगों को पनिशमेंट दे दे के मैं थक चुका हूँ। तो अब बारी तुम्हें 3rd degree देने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर आपने तो बोला था पनिशमेंट दोगे, ये तो चीटिंग है। चीटिंग करता है तू। बच्चे तुमने सुना नहीं क्या, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड पढ़ाई। सबसे पहले वाली रेड आई की, होमवर्क नहीं करोगे ये लो। सर सॉरी सर फ्लैश ये ले। सर सॉरी सर अगली बार से होमवर्क जरूर करेंगे। अगली बार का तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा, तुम्हें आज ऐसा मारूंगा कि तुम अगली बार में क्लास में नहीं आ पाओगे, ये ले। सर सॉरी सर होमवर्क नहीं करोगे तो यही होगा, ये ले। चलो फटाफट से खड़े हो जाओ और क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और मेरी बात याद रखना, आज हमारी क्लासेस के प्रिंसिपल आने वाले चेक करने कि मैं तुम सबको कैसे पढ़ाता हूँ। तो आज तुम सबको ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो आके तुम सबसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और सबको अच्छी तरह आंसर देना पड़ेगा। अगर गलत आंसर दिया तो हमारी क्लासेस कैंसिल भी हो सकती है। तो बच्चों आज बिल्कुल ढंग से पढ़ना। अरे सर आप टेंशन मत लो, हम लोग बिल्कुल ढंग से पढ़ाई करेंगे। चल मुझे 1-10 तक गिनती बोल के दिखा। सर इतना इजी, अभी बोल के दिखाता हूं। 1, 2, 3, 4, 5 5 plus 1, 5 plus 2, 5 plus 3, 5 plus 4, 5 plus 5। अरे ये कौन सी गिनती गिन रहे, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, ना कि 5 plus 1, 5 plus 2। अरे क्या कर रहा है स्पाइडरमैन, अरे ये बच्चों का मैं क्या करूं? एक सेकेंड रुको, मुझे सूसू आ रही है, मैं 2 मिनट में आया। कोई बच्चा शोर नहीं बचाएगा, मैं 2 मिनट सूसू करके आता हूँ। अरे शिनचैन फ्रैंकलिन सर चले गए, बचाओ। ओके आयरन मैन भैया। मैं पानी पानी हो गई, बे ये क्या चल रहा है, इतनी तेज गाने क्यों बज रहे हैं? अबे तुम क्या कर रहे हो? मैं 2 मिनट सूसू क्या करने क्या, ये सारे लोग तो डांस करने लगे। ए रुक जाओ, अरे चुप हो जाओ, तुम सब लोग ये क्या कर रहे थे? मैंने तुमको बोला कि आज शांति कर लो क्योंकि भाई प्रिंसिपल आने वाला है, अगर उन्होंने देख लिया ये सब करते हुए तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और मैं कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगा। हेला सर ये तो आयरन मैन का आइडिया था।
आयरन मैन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे सर सर सर, शिनचैन का आइडिया था ये तो। शिनचैन? एनीवे किमी, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये तो नए स्टूडेंट हल्क का था। क्या तुम एक तो नए स्टूडेंट हो और आते यहाँ पे डांस कर रहे हो? अरे सर, मुझे तो पता भी नहीं है गाने कैसे बजाते हैं, ये शिनचैन का आइडिया था। जिसका भी आइडिया था वो बिल्कुल मत करना, अगर प्रिंसिपल ने ये सब देख लिया तो मैं कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगा। सामने देखो हेलीकॉप्टर आ रहा है। अरे मुझे लगता है प्रिंसिपल सर आ चुके हैं। सब बच्चे बिल्कुल शांति से बैठना, प्रिंसिपल सर के सामने कोई शरारत नहीं करेगा। अरे फ्रैंकलिन, हम आ गए। अरे फ्रैंकलिन, कैसे हो तुम? अरे प्रिंसिपल सर, आइए आइए। क्या सरप्राइज दिया है आपने, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर आने वाले। कैसे है सर आप? क्यों झूठ बोल रहे हो फ्रैंकलिन, पूरी दुनिया को पता है आज मैं तुम्हारे ट्यूशन पर आने वाला था। मैं तो मजाक कर रहा था सर। बताओ फ्रैंकलिन, तुम्हारे ट्यूशन पर क्या चल रहा है? अरे सर, हमारा ट्यूशन तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, सब बच्चे बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे सर, आप इतनी सारी सिक्योरिटी अपने साथ क्यों लेके आए हैं? मेरी मर्जी, तुम अपना काम करो। यहाँ पर एक बच्चा क्यों नहीं है, कहाँ पर है वो बच्चा? अरे सर, उस बच्चे का थोड़ा सा पेट खराब हो गया था इसलिए वो घर गया है। अच्छा अच्छा, चलो हम तुम्हारे सारे बच्चों का टेस्ट लेते हैं, देखते हैं तुम कौन सी पढ़ाई करा रहे हो। हाँ सर, लीजिए लीजिए, आप सभी बच्चों से टेस्ट लीजिए। बच्चों प्लीज यार, फेल मत हो जाना। क्या बोला क्या बोला? अरे सर कुछ नहीं कुछ नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। ए लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? हैला, मेरा नाम क्रिश है। थ्री की टेबल सुनाओ। हैला सर, ये क्या पूछ गया, थ्री की टेबल तो हमको सिखाई नहीं। क्या तुमने अपने बच्चों को थ्री की टेबल नहीं सुनाई? अरे नहीं नहीं, सिखाइए सिखाइए। अरे क्रिश, थ्री की टेबल सुनाओ। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स। हेलो सर, आती आती है, मुझे आती है। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा थ्री एट जा पता नहीं। तुम्हें तो थ्री की टेबल भी पूरी नहीं आती। चलो इस लड़के की बारी। ए लड़की, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? सर मेरे लिए तो विजन बाबू सबसे ज्यादा बड़े, विजन बाबू और मेरी शादी होने वाली है इसलिए विजन बाबू ही सबसे ज्यादा बड़े। अरे ये लड़की क्या बोल रही है? अरे सर, इस लड़की की अभी शादी होने वाली है तो ये अपने पति को ही सब मानती है, सबसे बड़ा प्लेनेट इसके लिए उसका पति है। अच्छा ठीक है ठीक है। ए लाल हल्क, तुम मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग क्या होती है? अरे ये तो मुझे भी नहीं आती, ये रेडल क्या बताएगा? सर फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग होती है FOTO, फोटो SYNTHESIS, सिंथेसिस। रेड हल, क्या स्पेलिंग बताई है फ्रैंकलिन, ये तुम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो। चलो तुम फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग बताओ। फोटोसिंथेसिस स्पेलिंग PHOTO। सर मुझे नहीं आती। सर हाँ फ्रैंकलिन, लगता है तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा, तुमने तो कुछ पढ़ाई नहीं कराई। हे बच्चे, तुम मुझे फाइव की टेबल सुनाओ। शिनचैन मेरी नाक मत कटवाना। ओके सर, फाइव वन जे फाइव, फाइव टू जे टेन, फाइव थ्री जे फिफ्टीन, फाइव फोर जे ट्वेंटी, फाइव फाइव जे ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जे थर्टी, फाइव सेवन जे थर्टी फाइव, फाइव एट जे फोर्टी, फाइव नाइन जे फोर्टी फाइव, फाइव टेन जे फिफ्टी। बहुत बढ़िया शिनचैन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे सोलर सिस्टम में सन के सबसे पास प्लेनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। बहुत बढ़िया शिनचैन, बहुत बढ़िया। नाइन नाइन जे क्या होता है? नाइन नाइन जे एट्टी वन। अरे शिनचैन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ 19 जा क्या होता है? अरे सर के सारे क्वेश्चन एक ही बच्चे से पूछोगे? तुम मुझे बताओ। अरे सर वो नया बच्चा है, उसको भी तो कुछ आता नहीं है, वो आज ही ज्वाइन किया है। ए टिन के डब्बे, तुम हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के नाम बताओ। ओके सर, मैं बताता हूँ। अर्थ, जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड नेशन, इंडिया, चाइना। अरे ये बच्चे, अरे ये बच्चा क्या बोल रहा है? सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के नाम बताने थे, ना कि कंट्रीज के। फ्रैंकलिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हो। इसी के साथ मैंने डिसीजन लिया है कि मैं तुम्हारा ट्यूशन क्लासेस का लाइसेंस कैंसिल करता हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसा मत करो। सर ऐसा मत करो, मैं इन सब बच्चों को वापस से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। नहीं फ्रैंकलिन, तुम्हारा टाइम गया, तुम्हारा ट्यूशन क्लासेस का लाइसेंस कैंसिल होता है। अब तुम घर पे बैठ के सो जाओ।
सर 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 प्लीज ऐसा मत करो सर, प्लीज ऐसा मत करो, मैं क्या करूँगा, मेरे पास और कुछ काम भी नहीं करने के लिए। सर ऐसा मत करो, सर ऐसा मत करो। हे बच्चे तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारे फ्रैंकलिन सर तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह नहीं पढ़ाते। सर 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 प्लीज ऐसा मत करो सर, मैं आपके पैर छूता हूँ सर, प्लीज ऐसा मत करो। मेरा डिसीजन लास्ट है, फ्रैंकलिन क्लासेस आज से बंद। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, ये लो सिक्योरिटी। अरे भागो यहाँ से। अरे काइजर मैंने हमारे प्रिंसिपल को ही मार दिया क्योंकि उसने मेरी सारी ट्यूशन क्लासेस रद्द कर दी थी। इसका मतलब आज से मैं अपनी ट्यूशन क्लासेस नहीं पढ़ा सकता, मैं ये सहन नहीं कर सकता था इसलिए मैंने प्रिंसिपल को मार दिया। हमारे प्रिंसिपल साहब को मारोगे? रुक जाओ रुक जाओ। अरे भागो यहाँ से। अरे काइजर ये सारे के सारे सिक्योरिटी वाले मेरे पीछे पड़ गए। अरे प्रिंसिपल को मैंने मार दिया तो ये मेरे पीछे पड़ गए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। रुक जाओ हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे काइजर मुझे यहाँ से भागना चाहिए, जल्दी से निकलता हूँ। जब तक वो दीवार कूद के यहाँ पे आता है मुझे यहाँ से गायब होना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये गोली मार देंगे। इनके पास बहुत ही खतरनाक वेपन है और मैंने वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रिंसिपल को मारा है तो मुझे ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। भागो यहाँ से। अरे ये क्या हो गया, हमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी इसलिए प्रिंसिपल सर के गुंडों ने पूरी क्लास में आग लगा दी और फ्रैंकलिन भैया भी भाग गए। अब हम कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे फ्रैंकलिन भैया। अरे भागो, मुझे कोई तो बचाओ, मुझे लगता है मुझे लॉस सैंटोस छोड़ना पड़ेगा वरना वो प्रिंसिपल की सिक्योरिटी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तो कैसर हमारी पूरी क्लास बंद हो चुकी है, आज के बाद हम कभी क्लास नहीं कर पाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ लॉस सैंटोस छोड़ के। तो कैसर आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लाइक कर देना चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, बताना इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और कैसर इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जो ना फॉलो कर लेना। और कैसर अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।